हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 के बारे में। पहले हम बात करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या है। तो इसे सीआरपीसी भी कहा जाता है यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जहां क्रिमिनल से सीआर, प्रोसीजर से पी और कोड से सी अल्फाबेट लिया गया है यानी सीआरपीसी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भारत में आपराधिक कानून को कार्य में लाने यानी एग्जीक्यूशन के लिए मुख्य कानून है। यह कानून सन 1973 में इनेक्ट किया गया यानी कि 1973 में जो है इस कानून का अधिनियम बनाया गया, लेकिन देश में ये कानून जो है 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। जब कोई अपराध होता है तो हमेशा जो है दो प्रक्रियाएं यानी कि प्रोसीजर होते हैं। इस प्रोसीजर को पुलिस अपराध की जाँच करने में अपनाती है यानी इस प्रोसीजर को पुलिस जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज करती है। एक प्रोसीजर पीड़ित यानी विक्टिम से रिलेटेड होता है और दूसरा आरोपी यानी एक्यूज्ड के संबंध में होता है। अब हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 144 के बारे में। सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा 144 लगा दी जाती है, या कह सकते हैं जब किसी भी स्थान पर हिंसा यानी वायलेंस या तनाव के बाद किसी स्थान का माहौल खराब होता है या खराब होने की संभावना होती है जिससे तनाव बढ़ने की उम्मीद है, तो ऐसे वक्त में क्या किया जाता है। जिला मैजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस धारा को लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस स्थान पर ये धारा लगाई जाती है वहां पर 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जिस जगह पर ये धारा लागू होती है वहां पर हथियारों के ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। लोगों के ग्रुप बनाकर घूमने पर भी मनाही होती है। इस धारा का असर ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट, ऑफिसेज, मार्केट, स्कूल कॉलेज एटसेट्रा वगैरह पर भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। सीआरपीसी की धारा 144 का पालन ना करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 151 यानी 151 के तहत की जा सकती है, जहां आईपीसी सेक्शन 151 के तहत भीड़ इकट्ठे करने के उद्देश्य से या जानबूझकर जहां 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और शांत माहौल को जो है खराब करते हैं, तो ऐसे में अपराधी को आईपीसी की धारा 151 के तहत 6 महीने की कैद हो सकती है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या उसे कैद और जुर्माना दोनों से दंड दिया जा सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 151 के तहत एक एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण दिया गया है कि उस जगह पर सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई थी, उसके बाद भी लोगों ने सीआरपीसी की धारा 144 का पालन नहीं किया तो अपराधी को इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 145 के तहत भी सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 145 के तहत अगर आप किसी स्थान पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के बाद भी किसी गैर कानूनी भीड़ यानी क्राउड या अनलॉफुल असेंबली में शामिल होते हैं तो ऐसे में अपराधी को आईपीसी की धारा 145 के तहत सजा के तौर पर कैद हो सकती है। उस सजा को 2 साल तक जो है बढ़ाया जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या उसे कैद और जुर्माना दोनों से सजा हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट्स अ बेलेबल ऑफेंस यानी इस अपराध के लिए जमानत का भी प्रावधान है, तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। हाल ही में धारा रेप केस के अपराधी बाबा राम रहीम के भक्तों द्वारा हिंसा फैलाने के कारण पंजाब और हरियाणा स्टेट के कई स्थानों पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी। हालांकि कई स्थानों पर हिंसात्मक माहौल होते हुए भी कुछ क्लैरिकल मिस्टेक के कारण ये धारा लागू नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है काफी नुकसान भी हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।